फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बच्चों का दूध पीना किस तरीके से बंद करवाएं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ना, वो बहुत प्यारी प्रोसेस होती है। हम पे डिपेंड करता है कि हम इस प्रोसेस को कितना अच्छा बनाते हैं। आप प्लीज ये मत सोचिए कि 2 या 3 दिन में हम हमारे बेबी को दूध पीना छुड़ा देंगे या फिर बच्चा 2 या 3 दिन में कुछ अप्लाई करेंगे तो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा। क्योंकि इस प्रोसेस में अगर बच्चा रोता भी है ना, तो हमें भी उतना ही दिल दुखता है जितना कि बच्चा परेशान होता है। क्योंकि बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है मदर एंड बेबी का। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत लविंग प्रोसेस होती है। आप कभी नोटिस करना, अगर हमारा बेबी जब स्टार्टिंग में दूध पीना नहीं जानता था, हम उसे कितना प्यार से सिखाते हैं उसको, तो इस प्रोसेस को छुड़ाना भी उतना ही प्यार से। ऐसा नहीं करना कि बच्चा रो रहा है या फिर हमने 2 या 3 दिन के चक्कर में उसे बंद करवा दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस होते हैं और हमसे बहुत इजीली बच्चों को छुड़ा सकते हैं। बस एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे ना, तो प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। बस थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसलिए आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाना है, उससे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हाँ, मैं इतने मंथ में अपने बेबी की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बंद करा दूंगी। मुझे मेरा ये फिक्स था कि मैं अपने बेबी को 18 मंथ के बाद से बंद करवा दूंगी। 18 मंथ तक कैसे भी करके मुझे इसे स्टॉप करनी है। तो आप लोग अपना एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब तक अपनी बेबी को ये स्टॉप करना है। और मेरा ये भी था कि 1 साल तक मैंने अपने बेबी को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराया था। मेरा मन यही था कि मैं 1 साल तक जितनी इसको डिमांड होगी उतना मैं इसको पिलाऊंगी, जब जब इसको जरूरत होगी मैं उतना पिलाऊंगी। बट हाँ, 1 साल के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा इसे कम करती जाऊंगी। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है, एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि तब तक आपको पिलाना है। इससे क्या होगा कि आपको ये प्रोसेस करना बहुत इजी हो जाएगा और आपका बेबी बिल्कुल भी नहीं रोएगा, तो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। बस जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हो ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करने की, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो ये है, सबसे पहली चीज, जब आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवा रहे हो, उस वक्त बच्चों को टीथिंग की प्रोसेस नहीं हो रही हो। अगर बच्चों को टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है या फिर टीथ आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे आप बच्चों की जो ब्रेस्ट फीडिंग अगर बंद करते हो, तो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है वो खाना नहीं खा रहा है, तो आपके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। और आपने भी उसे फीड करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो बच्चों को हो सकता है वीकनेस आ जाए, उसका वेट गिर जाए। तो ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं स्टॉप करना, उस टाइम पे आप उसको पिलाइए, चाहे टाइम कितना भी हो गया हो, बट उस टाइम पे उसे जरूर पिलाइए। सेकंड चीज जिसका आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका बेबी बीमार है, उसे खांसी जुकाम बुखार दस्त उल्टी कुछ भी है, तो उस टाइम पे भी आपको अपने बेबी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग करना आप कीजिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे आप स्टार्ट करोगे तो ये प्रोसेस हो भी नहीं पाएगी और आपका बेबी भी परेशान होगा, रोएगा, उसका वेट कम हो जाएगा या फिर कुछ नहीं खाएगा, क्रैंकी रहेगा, और आप भी कहीं ना कहीं हर्ट होते रहोगे जब आपके बेबी को देखोगे और आप उसे नहीं चाहते हुए भी पिलाओगे, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। थर्ड चीज जो इस प्रोसेस को बहुत अच्छी बनाती है, वो ये है, जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का डिसाइड करते हो, तो आप अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि उनकी हेल्प से प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। तो उन्हें पता होना चाहिए, सबका माइंड सेट होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से, बहुत इजी हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, वो ये है कि आपको जो डे फीडिंग है ना, उसको सबसे पहले कम करना है। जैसे कि आप डे में 7-8 टाइम्स आप बच्चों को फीड करवा रहे हो, तो वो आपको 5-4 टाइम्स कर देनी है। इस तरीके से क्या होगा, D1 आप 5-4 उसे फीड कराइए। और आप ट्राई कीजिए कि अपने बेबी को, क्योंकि जब 1 ईयर से कंप्लीट कर लेता है, तो क्या होता है बच्चे को हम सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं, उसे 2 टाइम स्नैक देते हैं, 3 टाइम मेन मील उसे दे सकते हैं, तो उसे इतनी भूख नहीं लगती। वो क्या होता है, बच्चा रो रहा होता है, उसे फीड की याद आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे ही फीड करना स्टार्ट कर देते हैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की जगह। तो डे की फीडिंग में आप क्या कर सकते हो, जब भी बच्चा फीड के लिए आपको बोलता है, तो आप उसे डिस्ट्रैक्ट कीजिए, या फिर किसी अदर एक्टिविटी में आप उसे एंगेज कर सकते हो, या फिर उसे, जैसे आपका फीडिंग का एक रूटीन होता है, हमें आइडिया होता है कि हमारे बेबी को कब भूख लगेगी या फिर वो कब फीड करता है, किस वक्त वो फीड मांगता है, तो हमें रफली आइडिया होता है, तो उस वक्त हम उसे कुछ, आप उसे खाने को दे दीजिए, इससे क्या होगा उसको भूख नहीं लगेगी। और या फिर आप जब भी वो फीड मांग रहा है, उसे नॉर्मल वाला जो मिल्क होता है ना, वो उसे ला के दे दीजिए। इससे क्या होगा, वो दूध भी पिएगा और उसको ये रहेगा कि हाँ, मैंने दूध पी लिया। कुछ देखी जो फीडिंग होती है, वो बंद करना बहुत ईजी होता है, हम उसे किसी चीज में एंगेज कर सकते हैं, उस टाइम पे उसे कुछ और चीज खिला सकते हैं, उसे नॉर्मल वाला जो मिल्क होता है वो उसे पिलाइए। इस तरीके से आप देखी जो फीडिंग होती है
डे बाय डे करके कुछ दिन में आप बंद कर सकते हो कम्प्लीटली। अब जो मेन आता है वो आता है कि इसको सुलाते टाइम जो बच्चा फीड करता है ना दोपहर में, हम जब सुलाते हैं तो मेरे साथ ये था कि मेरा जो बेबी था ना वो सोते टाइम फीड तो करता था बट वो फीड करते करते कभी नहीं सोता था। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट था कि हाँ वो फीड करते करते नहीं सोता। बट जो मैंने उसकी आदत डाल रखी थी वो ये थी कि मैं उसको अपनी गोदी में लेके सुलाती थी, अपनी लैप में उसे लेटा के फिर उसे सुलाती थी। तो क्या होता था उस टाइम पे उसको याद आ जाता कि उसे दूध पीना है, क्योंकि जब भी वो लेटता था तो मैं उसको फीड करा देती थी तो उसके थ्रू उसको याद आती थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनकी हेल्प ली, स्टार्टिंग में इनको बोला कि जब भी ये फ्री होते थे सैटरडे संडे या फिर कभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल गया था कोरोना के टाइम में, तो मैं इनको बोलती थी कि आप इसे ट्राई करो, ये आपसे सो जाए। तो अगर इनसे सो जाता था वेल एंड गुड था, बट हमेशा ये नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी, इसको मैंने सुलाने का कोई और तरीका ढूंढा, मैंने इसको बेड पे सुलाना स्टार्ट कर दिया गोदी की जगह। मैं स्टार्टिंग ही बेड से करती थी, गोदी में से लेती ही नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या होता था, हम इसको सुलाते टाइम स्टोरी सुनाने लगी, इसको डे का कोई भी प्रोसेस याद करके बताने लगी आज आपने क्या किया, कि ऐसा कोई भी इंटरेस्टिंग बात आप बच्चों से कीजिए कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे तो वो फीड को उस टाइम पे थोड़ा भूल जाएंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके थपकी देने लग जाती थी सिर पे, तो धीरे धीरे सुनते सुनते उसको नींद आना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से मैंने जो नून की और जो नाइट की फीड होती थी ना सुलाने से पहले तो वो कम होने लगी। बट जितना इजी हम सोचते ना उतना इजी प्रोसेस भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता था, इसको सुलाते हुए बीच टाइम में इसको याद आने लग जाती थी फीडिंग की, तो उस वक्त मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसे डिस्ट्रैक्ट करना। रात हो चुकी होती थी तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता था, या फिर सुलाने का टाइम होता था तो मैं क्या करूं। फिर मेरे को लगा कि हाँ मुझे कुछ और तरीका भी ढूंढना होगा कि दूध पीना कम कर दे। तो फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि मुझे कुछ करना हो, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं देखी, बट वो था कुछ ने 2-3 डेज का बता रखा था किसी ने कुछ लगाओ करो। तो मैं सोच रही थी मैं कोई भी चीज तब लगाऊंगी जब मैं अपनी पूरी प्रोसेस कर चुकी होंगी और मैं हार मान चुकी हूँ मेरा बेबी नहीं छोड़ रहा है, तभी मैं कुछ अप्लाई करूंगी। उससे पहले कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी, जितना हो सकता है वैसे नेचुरल वे में ही फिनिश करने की कोशिश करूंगी। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसे ऐसा कुछ भी नहीं खाना पड़े, मुझे कुछ लगाना नहीं पड़े। तो बस मेरा पूरा मोटिव ये था कि मुझे कुछ भी अप्लाई ना करना पड़े की लेने से पहले, इसको मैं खुद ही स्टार्ट करूं। अब मैंने क्या किया कि मैंने जब उसे फीड कराती थी ना, मैं फीड कराती थी तो उसे बोलती थी कि बेटा बिग बॉय होते जा रहे हो, मम्मा का दूध आना ना कम होता जा रहा है, आप जैसे जैसे बिग बॉय बनोगे मम्मा का दूध आना कम हो जाएगा और एक टाइम के बाद में तो बंद भी हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि इसने उसी तरीके से इसका माइंड में भी बच्चों के जो बैठते जाते हैं, और ये प्रोसेस हम जितनी जल्दी स्टार्ट करते ना उतना बेटर होता है। एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें कुछ भी चीज समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप कुछ भी अप्लाई करोगे ना तो भी बच्चों को पता चलता है आप कुछ कर रहे हो। तो एक दिन नाइट को क्या हुआ, मैं इसके लिए दूध लेके आई थी, तो ग्लास में दूध रखा हुआ था बेड पे ही साइड में, तो इसको देखा दूधू दूधू मम्मा दूधू, तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि हाँ मैंने इसको बोला कि मम्मा का दूध इस ग्लास में, बेटा आपको ग्लास वाला दूध खाली करना होगा, मम्मा का दूध तो फिनिश हो गया। तो इसको माइंड में कहीं ना कहीं वो बात बैठ गई, तो इसने फिर उस दूध को पीना स्टार्ट किया मम्मा का दूध। तो फिर मैंने उसको वो दूध पिलाया, और मैं जब भी ब्रेस्ट फीड कराती थी ये बात जरूर बोलती थी कि रुद्र आप बिग बॉय हो गए हो, अब मम्मा का दूध है ना फिनिश होने लग गया, अब आपको और दूध नहीं मिलेगा, और मम्मा का जो दूध है ना वो ग्लास में आ गया, ये वाला जो ग्लास में आप दूध पीते हो ना वो मम्मा का ही दूध है। तो फिर इसको धीरे धीरे धीरे, एक साथ बच्चा नहीं समझता बट धीरे धीरे जब आप रिपीट करते जाओगे ना प्रोसेस को कि मम्मा का दूध अब नहीं आ रहा है, बेटा मम्मा का दूध आना कम हो गया है, तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। आई नो इट्स, ये थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को हमें फॉलो करने में, आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी 2-3 डेज में मैंने बंद हो गया या फिर 2-3 डेज में आप स्टॉप कर दोगे। अगर आपको नेचुरली जाना है तो आपको टाइम तो देना होगा बच्चों को, थोड़ा टाइम बच्चे लेंगे क्योंकि बच्चों को हम रोता भी नहीं देख सकते, बट हाँ इन द एंड रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा, आपका बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा और बहुत प्यार से छोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसने बंद कर। अब इस तरीके से मैंने इसका जो फीडिंग थी ना वो तो स्टॉप कर दी थी कि जो मुझसे मांगता था, तो इसको समझ में आने लगा। अब मेरे पास जो रियल टारगेट आता था ना वो नाइट का टाइम आता था, जब ये नाइट को बीच बीच में जगता है तो हम मदर्स क्या करते कि अपने बेबी को जल्दी से फीड कराते हैं और वो सो जाता है, तो मैं भी ऐसा ही करती थी। अब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा कि इसको नाइट फीडिंग कैसे स्टॉप कराऊं। तो नाइट फीडिंग को मैंने जो एक्स्ट्रा फीडिंग होती है ना जगते टाइम उस फीडिंग को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रात को अच्छे से खाना खिलाऊं तो इसका पेट भरा रहेगा, तो मेरे माइंड में ये तो क्लिक रहेगा कि हाँ इसको भूख नहीं लग रही होगी, क्योंकि हमें ये भी तो लगता है कि हमारा बेबी रात को जग रहा है तो मैं भी उसे भूख लग रही हो।
बट ऐसा नहीं है, अगर बच्चा रात को जग रहा है, अगर आप अच्छे से खाना खिला के सुला रहे हो तो हो सकता है उसको भूख नहीं लग रही हो, अदर रीजन भी हो, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो फिर मैंने पूरा अपनी कैलकुलेशन की, तो फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को इसको रात को ना अच्छे से खाना खिलाना है, थोड़ा हेवी खाना मैंने इसको खिलाना स्टार्ट किया कि इसको भूख नहीं लगे। एंड जब ये सोता तो उससे पहले मैं इसे दूध पिलाती थी, तो उससे जो इसकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भूख होती थी वो भी खत्म हो जाती थी। तो फिर मुझे नाइट में ये मेरे माइंड को सेट रहता कि हाँ इसे भूख नहीं लग रही है, मुझे कुछ और तरीके से इसे सुलाना है। तो ब्रेस्ट मिल्क में हम सभी जानते हैं कि 80% वाटर होता है, और बच्चा अगर रात को खाना खा के सो रहा है तो ऑब्वियसली उसे पानी की प्यास लगती है, इसलिए वो बार बार जगता है। तो क्यों ना मैं इसे दूध की जगह पानी पिलाऊं, हो सकता है पानी पी के ये सो जाए। तो मैंने ये ट्राई करना स्टार्ट किया, तो इस आप बिलीव नहीं करोगे, इसके साथ यही हुआ कि पानी पीता और सो जाता था। तो फिर मेरे माइंड में ये क्लिक हो गया कि अब जब भी पानी में से पिलाऊंगी पहले दूध से पहले से पानी ट्राई करूंगी, तो ये अगर पानी पीके सो जाता है तो ठीक है, और अगर पानी पीके नहीं सोता फिर भी रोता है तो फीड मांगता है तो मैं इसे फीड कराऊंगी, वरना मैं नहीं कराऊंगी। तो धीरे धीरे इसको आदत पानी में पड़ती गई कि ये जब भी रोता है मैं इसको पानी पिलाती। तो इसको माइंड में जैसे बच्चों को भी तो एक रूटीन सेट होता जाता है ना, वैसे ये प्रोसेस भी सेट होती जाती, ये उठता था पानी पीता था तो उसको लगता था मैंने दूध पी लिया, या फिर जो भी है ये सो जाता था पानी पी के। तो इसका जो जगने का टाइम था ना, मेरे को पता था कि ये किस किस टाइम पे जगता है, तो मैं कई बार क्या करती थी इसके जगने से पहले ही से पानी पिला देती थी, तो उससे भी ये सो जाता था कभी। तो ये थोड़ा टाइम लगा, बट इसका ये जो पानी वाला प्रोसेस था ना, जो फीड कराती थी वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके डे बाय डे बंद होता गया, मैं इसको पानी पिलाती गई और दूध रिप्लेस होता गया पानी के साथ। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोसेस बहुत स्मूथली की, थोड़ा सा टाइम लगा, तो लगता है टाइम 18 मंथ से पहले इसने 18 मंथ के अराउंड छोड़ दिया था, और बहुत कम कर दिया था, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले लेता था, बट 18 मंथ तक इसने बिल्कुल बंद कर दिया। अब 18 मंथ के बाद से तो मैंने इसे फीड ही नहीं करवाया और बिल्कुल भी, क्योंकि खुद ही नहीं मांगता मैं तो क्या कराऊंगी। तो मेरी ये प्रोसेस बहुत इजी और बहुत स्मूथ जर्नी रही थी, ना ये रोया ना मैं रोई, क्योंकि वरना क्या होता है कि हमारा बेबी भी रोता है, हम उसको मना करते हैं। मेरा शुरू से ये था कि मैं बहुत सारी वीडियो देखती थी, सोचती थी किस तरीके से नेचुरल वे में प्रोसेस हो उतना ज्यादा अच्छा होता है, नेचुरली हम अगर किसी चीज को करते हैं, क्योंकि अगर हम करते हैं किसी अदर वे में बच्चा भी रोता है, कुछ अप्लाई करना मेरा लास्ट टारगेट था कि अगर मेरा बेटा नहीं छोड़ेगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ अप्लाई करना होगा। मैं सब कुछ कर चुकूंगी बट मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल अप्लाई नहीं करूंगी। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि आप पहले नेचुरल वे में जाइए, अगर नहीं करते आपका बेबी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने सब कुछ कर लिया और बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो फिर आप ये कुछ भी जैसे लगाना लोग लगाते हैं, मैं आइडिया आपको दे सकती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो देखे इससे रिलेटेड, जैसे कॉफी पाउडर लगाते हैं, कुछ एलोवेरा लगाते हैं, कुछ नीम की पत्तियां लगाते हैं, कुछ लोग मैंने क्या कुछ अलग अलग चीजें सुनी थी, कुछ करेले का जूस वगैरह मंगा के कड़वी चीज लगाते हैं, तो बट मैंने ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं किया। ये सब बच्चे के मुंह में जा रही होती है, आई नो सब नेचुरल है लगा सकते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम माँ का मन ये होता है कि बच्चा जितना ज्यादा हो सके हम उसे हर चीज से दूर रखें, तो यही मेरा टारगेट था। और प्लीज मैं तो आप लोगों को ये भी सजेशन दूंगी कि जितना जल्दी हो सकता है ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस होता है और बच्चा भी नहीं रोए, बच्चा बड़ा जब हो जाता है ना, जैसे 2 साल से बड़ा हो गया तो वो सब समझने लग जाएगा कि आपने कुछ अप्लाई कर रखा है, आपने कुछ लगा रखा है, तो थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे बताइए कि आप